हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगिक एंड मॉडर्न साइंस। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं योगिक साइंस में, और वो टॉपिक है कॉन्शियसनेस पे, चैतन्यता या चेतन जिनको कहें। क्योंकि आज वर्ल्ड के जितने भी साइंटिस्ट हैं, खासकर फिजिक्स में कॉन्शियसनेस पे बहुत चर्चा हो रही है, और अब साइंस भी मानने लगा है कि जो कॉन्शियसनेस है वो फंडामेंटल एलिमेंट है। विदाउट कॉन्शियसनेस नथिंग कैन बी फॉर्मुलेटेड इन फिजिक्स नाउ। ठीक है, तो ये एक साइंटिस्टों ने जो कॉन्शियसनेस को एक एलिमेंट, एक इम्पोर्टेंट, इसकी सिग्निफिकेंस इनको समझ में आने लगी है साइंटिस्ट को, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, खासकर अध्यात्म के लिए। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में, हम अपने आध्यात्मिक वर्ल्ड में हम पहले से मानते हैं कि जो सृष्टि का जो कारण है वो कॉन्शियसनेस है, वो चेतन है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं अपनी बात रखूंगा। जितने भी मेंबर्स अभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, गौरव गौरव वाले शर्मा जी भी आ गए हैं, गौरवकांत शर्मा जी और कैलाश शर्मा जी हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। तो मैं एक प्रश्न रखता हूँ चेतन को लेके, चेतनता को लेके। तो वो जो प्रश्न है, और खासकर जो जितने भी आजकल साइंटिस्ट हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि ये जो पूरी एग्जिस्टेंस है, जो पूरी सृष्टि है, इसका कारण, सृष्टि का कारण ये मटेरियल वर्ल्ड है, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है हम चारों तरफ देखते हैं वो है। मीन्स ये जो सृष्टि जो उत्पन्न हुई है, ये फिजिक्स के लॉ को फॉलो करके ही उत्पन्न हुई है, फिजिक्स के नियमों के द्वारा उत्पन्न हुई है सिर्फ, जैसे कि स्टीफन हॉकिंग ने एक बार कहा था। इसका कारण चेतन है, कॉन्शियसनेस है, या दोनों है ना? एक तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है सृष्टि के कारण के संबंध में, कि कारण चेतन है या जड़ है, जड़ जगत जो हम चारों तरफ देखते हैं। हालांकि जो साइंटिस्ट है वो इनको आप जड़ भी नहीं कहते, ये कहते हैं सारी एवरीथिंग इज एनर्जी। ठीक है, और अध्यात्म में तो हम जड़ मानते नहीं, हर चीज के अंदर जीव है, हर चीज के अंदर चेतना है, तो यही है कि सृष्टि का कारण चेतना है या ये पूरा जड़ जगत है, कुछ और फैक्टर है इन दोनों के साथ, और भी फैक्टर्स हैं। तो एक ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इसी में जो दूसरा प्रश्न है वो ये आता है कि चेतना से समझते क्या है। चेतना जो हमारे अंदर है, हम फील करते हैं, हम कुछ जानते हैं, कुछ अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, ये चेतना, या चेतना और चीज को कहा जाता है ना? तो ये तो चेतनता हो गई कि हम हर हमेशा चेते हुए हैं, हम अपने तरीके से चेते हुए हैं, एक एनिमल है, जानवर है, वो अलग तरीके से चेता हुआ है, तो चेतना का जो स्तर है वो अलग-अलग है, मगर मूल के अंदर जो चेतन है, ठीक है, वो क्या है? तो सबसे पहले मैं ये दोनों प्रश्न कैलाश शर्मा जी के सामने रखना चाहूंगा और उनका जवाब लेना चाहूंगा संक्षेप में। चेतना मुख्य रूप से एनर्जी का ही रूप है। चेतना दलित शास्त्र नाम में सबसे ज्यादा उपयोग जी वो है। तो चेतना का मीनिंग ही ऊर्जा से ही लिया जाएगा, क्योंकि शक्ति की उपासना में कॉन्शियसनेस का सबसे ज्यादा उपयोग होता है, लेकिन वहां इसका अर्थ लिया गया है। तो चित्त शक्ति के रूप में कॉन्शियसनेस को कहा गया शक्ति साधना में, और इसमें दो प्रकार की चेतना, अलग अलग स्तर हैं चेतना के, उसको आप सत रज तम इन गुणों के द्वारा विभक्त कर सकते हो कि सतोगुणी की चेतना, रजोगुणी की चेतना और
तमोगुणी की चेतना के रूप में। तो इसमें ऊर्ध्व चेतना और निम्नोमुखी चेतना दो ही बातें आएंगी मुख्य रूप से, एक तो अधो चेतना और एक ऊर्ध्व चेतना। जब मनुष्य संसार में विषयों के बारे में खोज करता है तो उसकी चेतना कुछ कुछ अधोमुखी होती है, लेकिन अधोमुखी चेतना के भी तीन रूप हैं। अधोमुखी चेतना का एक सत्व रूप है और अधोमुखी चेतना का रजगुण भी है और अधोमुखी चेतना का तमोगुण भी है। तो जब सतोगुण में चेतना रहती है तो मध्यम में रहती है, वो अधो नहीं कहलाती, और रज और तम में जब चेतना रहती है तो वो मध्य में कहलाती है, और जब ईश्वर में ध्यान साधन या वो कुछ करता है या बहुत अच्छा सोच रहा होता है जिसका संबंध ईश्वर से होता तो, या ध्यान हो गया योग हो गया, उस समय उसकी चेतना ऊर्ध्वमुखी होने लगती है। तो इसमें मुख्य रूप से जो सतोगुणी चेतना है, इसमें 14 गीता जी में भी आ जाता है कि सतोगुणी चेतना वाला व्यक्ति ऊर्ध्व में जाता है, ऊर्ध्व में ऊर्ध्व लोकों को है, वो विषयासक्त लोगों के लिए ही है। वो सतोगुणी की जो चेतना है, सत रूप से, सतगुण से मतलब लेना चाहिए सुख ज्ञान और बुद्धि, ये सब जब बढ़ता है मनुष्य में तब जो है रजस तमश्च अभिभूय सत्वम भक्ति भारत, जब मनुष्य अपने रजोगुण और तमोगुण को दबाता है तो उसमें सत्व गुण की वृद्धि होती है और उस वृद्धि से उसकी चेतना थोड़ी ऊर्ध्वमुखी होने लगती है, उससे उसके अंदर ज्ञान भी आता है, सुख भी होता है, कुछ आनंद की अनुभूति होती है उसको, लेकिन वो पूर्ण रूप से परम चैतन्य नहीं है। जब ऊर्ध्वमुखी में ऊर्ध्वमुखी जब परम चैतन्य से जुड़ता है तो वो पूर्ण रूप से ऊर्ध्वमुखी हो जाता है, तब ध्यान समाधि वगैरह लगने लगती है उसकी और वो पूर्ण रूप से ब्रह्म से जुड़ जाता। तो इसमें ओमकार का ध्यान वगैरह जो लोग करते हैं वो तो हुई परम चैतन्य की बात, और ये जो चैतन्य है जो सतोगुण वाला बताया गया है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा अधोगुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तो इसमें बार बार यही बात आ जाती है कि सत्व गुण से जो जुड़ता है उसे अच्छे लोगों की प्राप्ति हो जाती है, अगर वो मरता है उस स्थिति में। यदा सत्वम प्रवृद्धे तू प्रलयम याति देहभृत तदो उत्तम लोकान अम्लान प्रति पद्यते, तब वह उत्तम लोकों को प्राप्त कर लेता है लेकिन वो ब्रह्म की प्राप्ति नहीं है, इसीलिए मैंने उसको निम्नोमुखी चेतना से ही जोड़ा है सत्वगुणी चेतना को, जिसमें आदमी को ज्ञान संसारिक ज्ञान भी बहुत होता, वो संसार के बारे में बहुत सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा बोल सकता और संसार में प्रगति भी करता है, क्योंकि सुख की वृद्धि है, ज्ञान की वृद्धि है, ज्ञान तो ज्ञान है चाहे वो विषयों का ही क्यों ना ज्ञान हो, संसार का क्यों ना ज्ञान हो, और उसे अच्छे लोगों की भी प्राप्ति होती है क्योंकि वो किसी का बुरा नहीं करता, वो मंगल में ही रहता, वो केवल अच्छे कार्य ही करता, दान के कार्य करेगा या भलाई के काम करेगा तो उसकी चेतना सत्वमुखी कहलाएगी, और जो व्यक्ति केवल अपने लोभ में लालच में पड़ा रहेगा उसकी रजोगुणी कहलाएगी, और जिसके अंदर मोह हिंसा हिंसक प्रवृत्ति इस तरह की जो जघन्य गुण वृत्ति है इस तरह की प्रवृत्ति रहेगी तो वो तमोगुणी है। ये तीनों ही निम्नोमुखी, लेकिन इसमें सत्वगुणी को फायदा मिलता, सत्वगुणी जो है सत्वगुणी की चेतना जो है संसार में कम से कम सुख और ज्ञान और विद्या ये सब प्राप्त कर लेती है, और तो ऊर्ध्वमुखी में तो वो ब्रह्म के साथ ही जुड़ेगा सीधा, जैसे ओमकार है, ओमकार के साथ जब आदमी, इसीलिए स्थिर मन कहा गया, चित्त चित्त को स्थिर करो, मन को स्थिर करो, उसके लिए साधना बताई गई है योग साधना, और योग साधना में तुरंत आप योग ध्यान में बैठेंगे तो आपकी चेतना ऊर्ध्वमुखी होने लगेगी, भले ही आप तामसी हो राजसी हो या सतोगुणी हो। अगर तामसी व्यक्ति भी एक बार बैठता है ध्यान योग में या योग साधना में तो उसकी उसकी चेतना भी उसकी कॉन्शियसनेस ऊर्ध्वमुखी होने लगेगी, ईश्वर के साथ जाने लगेगी, और उसको हल्कापन जकड़न कम होने लगेगी उसकी,
जो विषयासक्त की जकड़न है, विषयों के प्रति उसका जो वो है लगाव है, अटैचमेंट है, वो कम होने लगेगा। तो मेरा सोचना तो वो ब्रह्म के साथ ही जो परम चैतन्य से जुड़ता है उसका वो ही प्रमुख चेतना हुई, और बाकी संसार की चेतना भी कम इम्पोर्टेंट नहीं है। जो सत्व गुणी होते हैं तो उनको संसार में लाभ मिलता है उस चेतना से, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ इस बारे में। ठीक है कैलाश जी, ठीक है। मैंने जो प्रश्न पूछा था वो सृष्टि के उत्पत्ति के कॉन्टेक्स्ट में पूछा था ये प्रश्न, ठीक है। आपने बताया जो व्यक्तिगत चेतना की बात बताई आपने, जो सतो गुण वाली चेतना है या रजोगुण वाली है या तमोगुण वाली चेतना है, और आपने एक और नाम लिया परम चैतन्य का। तो परम चैतन्य का मतलब हो गया यूनिवर्सल, कॉस्मिक, है ना, व्यक्तिगत नहीं बल्कि कॉस्मिक, यूनिवर्सल चैतन्य की बात हुई। तो यदि हम यूनिवर्सल चैतन्य की बात करते हैं, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस क्या सृष्टि का कारण यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है या कुछ और है? सृष्टि का कारण तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, इसको भूमा चेतना के रूप में शास्त्रों में कहा गया है। ये यूनिवर्सल चेतना को ही भूमा चेतना कहते हैं जी। तो वो भूमा चेतना यूनिवर्सल ही है, उसमें सबकी चेतना आ जाती है संयुक्त रूप से। गौरव जी, उसी से गौरव जी से ले लेते हैं अब जी। आवाज आ रही है जी? हेलो, हाँ जी, आ रही है। देखो ये जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो है वही असली चेतना है, और जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि ब्रह्मांड में जो कुछ है वो आपस में लिंक्ड है, और उसकी अपनी एक वाइब्रेशंस है। तो जो वाइब्रेशंस है, जो चलायमान है, उसकी अपनी एक चेतन स्वरूप कहा जाएगा। और जो भी कुछ जीवन है इस ब्रह्मांड में, हम वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की वजह से ही है। हमको ये भी समझना होगा कि जो ब्रह्मांड है वो गतिशील भी है और प्रसार, उसका प्रसार भी हो रहा है। तो ये तो है कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस चेतना का मुख्य कारण है। हम आते हैं, जैसे कैलाश जी बोल रहे थे कि गुणों, जो सत्गुण रजगुण और तमोगुण की चेतना, ये प्रॉपर्टीज हैं, उसका डिवीजन हम कर सकते हैं कि इस तरीके की एक पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी और न्यूट्रल एनर्जी के रूप में हम उसको कॉन्शियसनेस को डिवाइड कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा का ऊर्ध्वगति और अधोगति। ये सत्गुण जो है ये हमें अगर उसमें जो बांधते हैं ना विषयों में बांधना, तो इसीलिए कहा गया गीता में गुणातीत होना। ईश्वर जो है गुणातीत है, आत्मा जो है गुणातीत है। तो सत गुण, सत रज और तम से भी आगे निकल जाना, इनको छोड़ जाना, तब हम मोक्ष की जो बात करते हैं। दो तरीका की हमारी वृत्ति रहती है, एक मोक्ष प्राप्ति की, एक सुखी जीवन की। तो ये चीजें हैं कि जो चेतना का प्रयोग हम, जिस चेतना का प्रयोग हम सुखी जीवन के लिए करते हैं, वो उसमें सत्य गुण और रजोगुण और तामसिक चेतना के अंतर्गत हम लोग चलते हैं। लेकिन जब हम मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं, मोक्ष का मतलब है संपूर्ण परमात्मा से मिलन, संपूर्णता से मिलन, जो कुछ भी एक ओरिजिन है उसमें विलय हो जाना, वो पोजिशन को प्राप्त कर लेना। तो वहां पर हमें इन प्रॉपर्टीज से ऊपर निकल जाना होता है। ये एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है इस चीज का। और ये है कि हर किसी भी कोई पार्टिकल हो, जीव हो, चेतना है उसमें जी। तो ये जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है वो व्यक्तिगत कॉन्शियसनेस कैसे बन गई? नहीं, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की वजह से ही पूरी प्रकृति का निर्माण हुआ है जी। जो भी पार्टिकल्स डेवलप हुए,
या अन्य कुछ जीव डेवलप हुए, पेड़ पौधे डेवलप हुए, पार्टिकल्स डेवलप हुए, या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की वजह से है ये सारा कुछ। ये क्या है, असेंबलिंग ऑफ लाइट एनर्जी, मतलब लाइट एनर्जी का, या जब कंडेंसेशन हुआ एनर्जी का तब पार्टिकल फॉर्म हुआ, क्रिएट हुआ, ये हमें समझना होगा। तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का मतलब है कि जहां से इस पूरी बीज की या इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, वहीं से सारा कुछ चला रहा है। इसीलिए मैं हम कहते हैं हमेशा कि लिंक्ड है हम लोग, प्रत्येक पार्टिकल, चाहे वो हाइड्रोजन एटम से लेके विशालकाय डायनासोर तक, हर जीव एक दूसरे से लिंक्ड है, पूरा ब्रह्मांड से लिंक्ड है। और जो ज्ञान की बात आती है ना हम लोगों की, वो वही है कि ओवरऑल ब्रह्मांड से रिलेटेड जो भी कुछ है उसके बारे में जानना ही तो ज्ञान है। सही है ना, ज्ञान को, जैसे उस दिन भी हो रहा था, ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि केवल ईश्वर के बारे में, ईश्वर का मतलब है जो कुछ इस ब्रह्मांड का नियंता कह लिया। बात वहां पे गड़बड़ हो जाती है कि हम उसको पुरुष रूप में मानते हैं, वहां पर आके बात गड़बड़ हो जाती है। लेकिन अगर हम एक एनर्जी के रूप में ही मान ले, एक ऊर्जा है जो जिससे सब कुछ का उदय हुआ या जो कुछ नियंत्रित हो रहा है, वो उसको अगर एक मान के चले तो सारे लोग आपस में इस चीज को एक्सेप्ट आसानी से कर लेते हैं। ये चीज है, और इसको उदय तो वहीं से हो रहा है और सारा कुछ लिंक है। मैं इस बात पे ज्यादा जोर देता हूँ कि हम लोग लिंक है, क्योंकि हमने इंडिविजुअल अपने आप की आइडेंटिटी बना के सारा समाज का और दुनिया का बेड़ा गर्क कर लिया है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट लाइफ को जीना चाहते हैं। कैलाश शर्मा जी, आप सहमत है? ना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी है। और इन्होंने गुणातीत की भी बात की, जब ब्रह्म से आदमी जुड़ेगा तो गुणातीत ही होकर आप इन तीनों गुणों से जब निकलेंगे, गीता में आया है अर्जुन का क्वेश्चन दिखाइए जी, गुणातीत किस प्रकार होता है आदमी जो ब्रह्म से जुड़ जाए, तो उसमें गीता में भी कहा है उन्होंने, गुणातीत होने के लक्षण बताए हैं भगवान ने, तीन असक्तम चेसु कर्म से। ठीक है, फिर मैं इसी प्रश्न को शर्मा जी के सामने रखता हूँ। तो ब्रह्म के साथ जुड़ने के लिए तो गुणातीत होना जरूरी है, नहीं तो मैंने पहले कहा कि ये जो अधो निम्नमुखी चेतना है इसी के रूप में। ठीक है, मैं इसी प्रश्न को शर्मा जी के सामने रखता हूँ और शर्मा जी इस पे प्रकाश डालेंगे। जी शर्मा जी, इसमें कैलाश जी ने जो गुणों की बात, चेतन की बात करी और गुणों से जोड़ा, गुणातीत के लिए जो गौरव जी ने चेतन की बात करी, तो चेतन की जब हम बात करते हैं तो चेतन की जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे वो दिखाई देता है, जहाँ पे उसका मूल है, तो वहाँ पे वो चेतन एक अंदर में है। एक चेतन अंदर है और एक चेतन का जो चेतनता है, जो उसका मतलब उसकी क्या एक्टिविटी, हाँ उसकी जो हरकत है, अंदर तो हरकत करता है मगर उसकी हरकत बाहर महसूस होती है। तो जो बाहर महसूस होती है, जिस प्रकार की जो चेतना बाहर जब उसकी आती है, तो वो सभी जीवों के लिए, सभी चीज के निर्माण करने के लिए वो काम में आती है और उनके लिए वो उपयोगी होती है वो चेतना। मगर जहां पे चेतना अपने मूल रूप में चेतती है, तो वहां किसी के काम में नहीं आती है, वहां पर वो अपना प्रभाव अपने अंदर ही रखती है, वो उसका प्रभाव बाहर नहीं कहीं नजर आता। जिस प्रकार अगर सूरज की गर्मी से हम अपना जीवन जीते हैं, और अगर गर्मी से ही जीवन जीना है तो सूरज को चिपक जाएं या सूरज हमारे को आके चिपक जाए तो हमारा तो हो गया काम। तो जो मूल रूप में चेतना है, जिसे बार बार ये कहा था कि आत्मा चेतन है, तो वो अंदर में चेतन है, और जब वो उसका प्रभाव बाहर की तरफ होता है तो ये जगत होता है। जगत जब होता है तो उसका एक काल्पनिक जगत होता है, और ये काल्पनिक जगत बनाने के लिए जो उसका फार्मूला है, तो वो फार्मूला होता है। तो ये
ये चीज तीनों चीज जब होती हैं, जब मूल रूप प्रकट होता है, तो ये बाकी जो दो चीजें हैं ये दो स्थिति उसका प्रभाव भी उसके साथ ही प्रकट होता है। तो ये प्रकट का है, ये प्रकट करने का उसका एक प्रभाव का और मूल रूप का दोनों का एक तरीका है। तो इसमें दोनों जगह चेतन है, अंदर भी चेतन है बाहर भी चेतन है। तो बाहर चेतन स्पष्ट होती है, कई चेतन ऐसे होते हैं जहां हमें दिखाई नहीं देती हैं मगर चेतन होती हैं जो समझ में नहीं आती हैं। तो ये एक अनुभव वाला विषय है, या ये कहेंगे कि जीवन में हमारा जो अनुमान हम लगाते हैं कि ये चेतन ये जड़ है, ये जड़ है ये चेतन है, ये जो अनुमान लगाते हैं ये अनुमान का विषय है। तो चींटी भी तो चेतन है, तो सांस लेती है, कोई हमें सुनाई और दिखाई थोड़ो देती कि वो सांस लेती है। किसी भी कोई मेटल है उसमें भी चेतन चेतन है, पृथ्वी में चेतन है, वायुमंडल में चेतन है, आकाशगंगा चेतन है, पूरा ब्रह्मांड चेतन है, बाहर भी परमात्मा चेतन है, अंदर भी जीव चेतन है, सब जड़ भी चेतन है, निराकार भी चेतन है, साकार भी चेतन है, सब कुछ चेतन है। चेतन की स्थिति और चेतन की टाइमिंग, उसका समय, ये परमात्मा तय करता है। ये जो बाहर वाला एक परमात्मा जिसे नाम देते हैं वो तय करता है, मगर इन सबको, सभी प्रकार के चेतन को, सभी प्रकार की चेतनता को, एक चेतन का एक बाहर आया हुआ एक ऐसा प्रभाव जो जिसे हम बार बार दृष्टा बोलते हैं, दृष्टा के लिए दृष्टा नाम लेते हैं। तो दृष्टा सभी चीज को देखता है, दृष्टा बिल्कुल प्योर एनर्जी है, वो ऐसी एनर्जी जो मूल को भी जानती है और उसके प्रकाश को भी जानती, जो सूरज के अंदर भी है और उसकी धूप के अंदर भी है, तो जो आत्मा में भी है और जो जगत में, काल्पनिक जगत में है और फार्मूले में भी है, वो एक ऐसा दृष्टा, वो बिल्कुल प्योर एनर्जी, वो भी चेतन है, मगर उस चेतन जो है वो देखती है, वो किसी यूज में नहीं, यूजफुल नहीं होती है, काम में नहीं आती है, वो हर स्थिति को देखती है बस, और कुछ नहीं करती है, उसका कोई काम नहीं है। ये सभी जो चीजें हैं, ये जो निम्न नीचे वाली स्थिति दिखाई बताई गई, ये सभी इस्तेमाल होती हैं, और ये कोई बनाता, कोई बिगाड़ता, कोई क्या करता, कोई ये सभी करते, कोई प्रकट होता, आत्मा जैसे प्रकट होती है, तो प्रकट होती तो सारे तामझाम के साथ ही प्रकट होती, अकेले प्रकट नहीं होती। आत्मा अकेले प्रकट हो गई, उसका फार्मूला ना प्रकट हो, परमात्मा प्रकट ना हो, जीव प्रकट ना हो, साकार प्रकट ना हो, निराकार प्रकट ना हो, ब्रह्मांड प्रकट ना हो, दृष्टा प्रकट हो, ये हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। तो ये चेतना का हमने जो अलग अलग एक गहराई में थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है, एक अनुभव वाला विषय है ये, तो ये मैंने आपके सामने रखा है इस प्रकार का। मतलब कि आपके अनुसार जो चेतना है वो हर जगह वही है, मगर वो अलग अलग रूपों में है ना, उसकी स्थिति अलग अलग है। जब वो मूल में है तो अलग तरीके से है, जब वो प्रकट में है, प्रकट में परमात्मा की तरह अलग प्रकट है, प्रकृति के अंदर जो जो भी चीजें हैं, प्रकृति के जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं उसमें अलग तरीके से काम कर रहा है, जीव में अलग तरीके से स्थित है। कहने का मतलब यह कि जो पूरी सृष्टि है वो एक तरीके से चेतना ही है, चेतना ही, ठीक है। तो द होल कॉस्मोस इज नथिंग बट मॉडिफिकेशंस ऑफ दिस कॉन्शियसनेस। तो हम ये एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो पूरे ब्रह्मांड का या पूरे अस्तित्व का जो मूल मटेरियल है वो चेतनता है, चेतन, जो चैतन्य है, ठीक है। और इसलिए चैतन्य को आत्मा भी कहा गया है, चैतन्य को मूल भी कहा गया है और रूट कॉज भी कहा गया है। मैंने स्थिति बताई उस तरीके की जी, कि अंदर में और बाहर में है। जी अंतर तो जी, जी तो चीज एक ही है पर अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरीके से वो सारी चीज स्थितियां बनी हुई है। तो कैलाश जी कुछ और भी कहना है इस संबंध में? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी। ब्रह्म बोलते हैं उसे, जब चेतना मूल में स्थित हो जाती है उसी को, तो वो अपने मूल तत्व में स्थापित हो जाती है और वो ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाती है मूल में जाके, तब वो जो है ब्रह्म चेतना कहलाएगी। ब्रह्म चेतना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक, बिल्कुल मूल में, ठीक है। गौरव जी, गौरव जी कुछ और चेतना के संबंध में?
कुछ और भी पॉइंट्स रह गए हैं? हाँ जी, वही है कि चेतना तो जो भी एक है ना, पार्ट हम कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं चेतना का, स्पेसिफिकेशन हमें हमारा है कि जैसे एनर्जी को कहते हैं हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, है ना, इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं ना, इसी तरीके से चेतना का जो ब्रह्मांड के अंदर, जो समाज के अंदर यूटिलाइजेशन है, उसको जरूर कह लेते हैं कि ये चेतना, ये मतलब जीव की चेतना या पार्टिकल की चेतना, ये डिवीजन है चेतना का। डिवीजन से अच्छा वर्ड रहेगा मॉडिफिकेशन, क्योंकि डिवीजन का मतलब हुआ कहीं ना कहीं टूट रहा है वो चीज, गैप है, है ना, भाग। हाँ, मॉडिफिकेशन कह सकते हैं जी। नहीं, वो भाव वही है, मॉडिफिकेशन कह सकते हैं जी, कि ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं, कुछ भी है ना वो, लेकिन एक मूल रूप में कह देते हैं ऊर्जा, उसके पार्ट हो जाते हैं काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी वगैरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, लेकिन मेन है ऊर्जा, ऐसी है चेतना। और इसीलिए हम बात कर रहे थे कि जब हम लाइफ में है, लिविंग बॉडीज में है अगर हम, तो वहां पे वो गुणों से, मतलब विषयों के अंतर्गत है, गुणों से मिली हुई है, सत्गुण रजगुण तमगुण इसमें है, इसी में हम चलेंगे। लेकिन जब वो प्योर एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, जिसको हम आत्मा कह लेते हैं, इसीलिए बात करते हैं ना, आत्मा और जीवात्मा दो अंतर, दो चीजों में अंतर है, आत्मा प्योर एनर्जी हो गई और जीवात्मा जो गुणों से अनुरक्त है, गुण युक्त है, वो जीवात्मा हो गई। और जैसी आत्मा एक प्योर फॉर्म हुई, उसने ब्रह्म में लीन हो गई। तो अब इसको एक तरह से मेरा कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाता है कि ब्रह्म में लीन का यानी हो गया कि ब्रह्मांड से बाहर निकल के जो मेन एनर्जी है उसमें लीन होना। कैलाश जी, थोड़ा सा इस पे ध्यान डालिए कि जो मैं कह रहा हूं ये चीज सही है। ना ना, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही जगह ही बोल रहे हैं। इसमें शब्द भी चेतना ही है जी। इसमें मुख्य तो आ जाता है शब्द का, एक जैसे ओमकार का जो लोग ध्यान करते हैं उनकी समझ में सबसे पहले यही आता है कि जगत शब्द में है जी। कि पूरा जगत है, वो चेतना ही है, तो उसे ओमकार की ध्वनि सुनाई देती। मीनिंग तो लोग कई तरीके से करते हैं, लेकिन वो माँ का रियल मीनिंग है मैं हूँ, आई एम परमानेंट, यानी हूँ, यानी शब्द, ये पूरा संसार शब्द में है। सबसे पहले वो माँ पे ध्यान करने से होता ओम, तो ओमकार का मीनिंग भी सेम है, हम ब्रह्मास्मि या इसे सोहम बोलिए, मीनिंग सेम है, हम ब्रह्मास्मि या ओम, इसमें शब्द आपको शब्द रूपी चेतना सुनाई देगी कानों में, और बाद में जब आपका ध्यान आप उस शब्द में डूब जाएंगे, उस चेतना में डूब जाएंगे आप, वो चेतना ही है। उस जब चेतना में आप पूरी तरह लीन हो जाएंगे, तो अंत में ये स्थिति आएगी कि जिसे बोलते हैं अनाहद नाद, अनाहद अनहद नाद मीन्स होता है जहाँ शब्द नहीं है, अनहिद अनहिद मीन्स नहीं है शब्द, इसका मीनिंग भी यही है अनाहद नाद का कि शब्द नहीं है, यानी चेतना नहीं है। तो वो चेतना कहाँ गई? जब चेतना नहीं है तो चेतना फिर वो मूल में चली गई, उसी को ब्रह्म चेतना करते कहते हैं और उसी को ब्रह्म लीन होना बोलते हैं जी। ठीक है, अच्छा जी सर, मुझे कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं नहीं, वो ये कह रहे हैं ना कि बाहर जो है ना, कि जब चेतना जो सभी से बाहर है, सभी जगह से बाहर है, ब्रह्मांड से भी बाहर है, जीव से भी बाहर है, साकार से भी बाहर है, निराकार से भी बाहर है, आत्मा से भी बाहर है, सब जगह से बाहर है, जो सभी को देखती है जी। तो जो सभी को देखती है वो एक प्योर एनर्जी, जिसका नाम शास्त्र में दृष्टा बताया गया, देखने वाला, वो किसी से प्रभावित नहीं होती है, और कोई देखने के सिवाय उसका कोई काम दूसरा नहीं होता। ये सारे कार्यरत हैं, आत्मा अपने में कार्यरत है, परमात्मा अपने में कार्य कर रहा है,
जीव जीव साकार निराकार ये अपने में कार्य कर, सब कार्य रहते हैं, वो एक ऐसी एनर्जी है शास्त्र के अनुसार, वो एकमात्र देखती है। और जो कैलाश जी ने बोला कि शब्द नहीं है, तो शब्द परमात्मा का तो शब्द है, मगर जीव में ये शब्द प्रकट होता है। और जीव में जैसे उन्होंने बोला कि हम जब ध्यान करते हैं तो ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर में शब्द होते हैं, तो हम शब्दों के ऊपर चले जाते हैं तो शब्द से ही शब्द प्रकट होता है, तो ये चीज भी सही है। मगर जिसकी बात करते हैं कि अनाहत वो शब्द नहीं है, तो शब्द नहीं है तो तुरंत आपको वहां जाना पड़ेगा दृष्टा के पास, वहां शब्द नहीं है, वहां पे शब्द नहीं है, मगर वो बिना शब्द के, बिना शक्ति के, बिना कार्य के, बिना सारे एंगल करता है, कोई गति नहीं रखता है, कोई प्रकाश नहीं रखता है, कुछ भी नहीं रखता है, मगर वो सबको देखता है, सभी स्थितियों को देखता है और सबको देखने का ही काम करता है। उसमें किसी तरीके का कोई ना परिवर्तन करता है, ना उसे करना है, और वो ना उसे स्वीकार करना है और ना उसे अस्वीकार करना है, सिर्फ देखना है, बस देखना है उसे। हाँ, लाभ हानि से, अच्छे बुरे से, किसी से किसी का कोई मतलब नहीं। जिसे हम बार बार दृष्टा कहते हैं, दृष्टा कहते हैं, दृष्टा कहते हैं, प्योर एनर्जी कहाँ है वो? कैलाश जी ने बोला वो अनाहत है, बिना शब्द वाला ही चीज है, जहाँ किसी तरीके का नाद नहीं है, वो बिल्कुल अनाहत शब्द है, तो वहां शब्द नहीं है। यानी कि जो चेतना यदि दृष्टा की स्थिति में है, जो चेतना दृष्टा की स्थिति में है और जो आपने गुण बताया अभी, वहां पे कुछ नहीं है, नहीं। इसका मतलब वो ये है कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। हाँ। क्योंकि वो किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, नहीं वो किसी से, वो किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा नहीं। तो और दृष्टा की बात है, चेतन जी, अष्टावक्र गीता में भी दृष्टा की बहुत बात कही गई है और वशिष्ठ रामायण में भी काफी है दृष्टा की काफी बात है। तो ठीक है, आज की चर्चा हम चेतनता पे यहीं समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा बोला, और बहुत अच्छा बोला कैलाश जी ने भी, गौरव जी ने, गहराई का विषय था, बहुत गहराई का विषय था, सब्जेक्ट बहुत गहरा था जी। और चेतना से रिलेटेड ही बहुत सारे और भी सब्जेक्ट है, जैसे समय, स्थान और समय और चेतना। हम जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा चर्चा का, वो हम यही रखेंगे कि चेतना, समय और स्थान का बोध, है ना। तो चेतना और इससे ये कैसे रिलेटेड है, ठीक है, ये चीजें होती क्या है, काल क्या है, समय क्या, ये काल और स्थान क्या होता है, तो इससे रिलेटेड हम रखेंगे, क्योंकि ये सब सारी चीजें साइंटिस्टों के लिए एक मिस्ट्री है, एक पहेली बनी हुई है। साइंटिस्ट क्या है अभी तक ये डिफाइन नहीं कर पा रहे कि टाइम होता क्या है आखिर, चेतना होती क्या है आखिर, कॉन्शियसनेस, ठीक है। हमारे पास बहुत कुछ है बोलने को कॉन्शियसनेस के ऊपर, जैसे हम सबने बोला और भी हम बोल सकते हैं, चाहे तो हम दिन भर ही पे बोल सकते हैं चेतना पे, इतनी सारी चीजें हैं, बट साइंटिस्ट के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट हर चीज को ऑब्जेक्टिव होकर सोचता है, उसके लिए हर चीज एक वस्तु है, और यहीं पे उनकी गलती है, उनके मेथड में ही प्रॉब्लम है, यहीं पे है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम के चलते ही वो कॉन्शियसनेस तक नहीं आ पा रहे और ना वो स्थान और समय को उतने अच्छी तरीके समझ पा रहे जितने अच्छी तरीके से योगिक साइंस ने समझा है, और ये पता नहीं कितना पुराना है, ये किसी को पता नहीं। तो इसी के साथ ये चर्चा, गौरव ठीक, गौरव जी बोलिए, दो मिनट में मैं थोड़ा सा इसमें बस ऐड करूंगा कि ये जो हम बात करते हैं ना प्योर एनर्जी जी, और फिर आया ब्रह्मांड जी, समझ, जो जब प्योर एनर्जी के साथ गुण मिल जाते हैं जी, जब गुण मिल जाते हैं तब इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है। गुण गुण मिली हुई फॉर्म है ये ब्रह्मांड, और पहला गुण जो है वो शब्द है, रूप रस गंध शब्द, ये आत्मा, ये सब आत्मा तो तत्व है, रूप रस गंध वगैरह आका, ये गुण है। तो शब्दमय जगत जो कहते हैं ना, पहला गुण जब ऊर्जा एक नाद उत्पन्न हुआ जिसको हम ओम कहते हैं, ओम एक एनर्जी फॉर्म है जो जिसमें गुण शब्द ध्वनि जो है ना, अपना जो हम ध्वनि साउंड वेव जी, जी। साउंड वेव के लिए एक स्पेस चाहिए चलने के लिए, तो वहां पे उससे सारी चीजें बाद में आगे बढ़ती है। शब्द एक आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई,
फिर आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, इस तरीके से सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो पहला जो है गुण वो शब्द है, यहां से क्लियर हो जाती है चीजें। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं शब्द को लेकर, शब्दमय कैसे है उस जी बिल्कुल को मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है गौरव जी, जो कॉन्शियसनेस पे चेतना पे चर्चा है हम यहीं समाप्त करते हैं। और कैलाश जी, कैलाश जी ठीक है, ये चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।